हाँ जी, तो इस वक्त क्रिकेट के गलियारों में सबसे बड़ा टॉपिक, हॉट टॉपिक बना हुआ है आईपीएल 2025। मेगा ऑक्शन से पहले क्या कुछ फेरबदल होंगे, इस पर सभी फैंस की निगाहें टिकी हुई हैं। लगातार एक के बाद एक अपडेट सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं। रोहित शर्मा को लेकर भी कोई ना कोई खबर हमारे सामने लगातार आती रहती है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि केकेआर ने, लखनऊ सुपर जायंट्स ने और दिल्ली कैपिटल्स ने रोहित शर्मा को अनऑफिशियल अप्रोच किया है, कप्तानी का ऑफर भी देने की कोशिश की है। साथ ही ये तीनों ऐसी फ्रेंचाइजी हैं जो 50 करोड़ रुपए तक खर्च करने के लिए तैयार हैं। अगर रोहित हिटमैन शर्मा ऑक्शन में आते हैं तो ये तीनों ही फ्रेंचाइजी 50 करोड़ रुपए तक खर्च करने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये बात हम सभी जानते हैं कि अगर रोहित शर्मा ऑक्शन में आए तो उनके ऊपर रिकॉर्ड तोड़ बोली होने वाली है। 50 करोड़ की संख्या भी मुझे लगता है कि एक बार के लिए कम पड़ जाएगी, छोटी पड़ जाएगी। हालांकि हम सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा इस वक्त काफी डिमांड में है, भाई हो भी क्यों ना, इंडियन कैप्टन है और भारत को जब से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताई है तब से तो उनका कद और ऊंचा हो गया है। हालांकि आईपीएल 2024 से पहले मुंबई इंडियंस के कप्तान थे, लेकिन एन मौके पर टीम ने, मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ने हार्दिक पांड्या को ट्रेड किया गुजरात टाइटंस से और हार्दिक को रोहित शर्मा की जगह कप्तान बना दिया, रोहित शर्मा को हटा दिया कप्तानी के पद से। उसके बाद मुंबई इंडियंस का जो हर्ष देखने को मिला उससे दुनिया वाकिफ है। पॉइंट्स टेबल में टीम 10वें पायदान पर रही, काफी थू टीम की देखने को मिली, काफी बोइंग टीम की हुई, हार्दिक पांड्या को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। लेकिन अब हार्दिक पांड्या भी टीम इंडिया के कप्तान में नहीं है, वो मुंबई के कप्तान रहेंगे नहीं रहेंगे इस पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन जब से ये सारा सिनेरियो हुआ था, हार्दिक को कप्तान बनाया गया, रोहित को कप्तानी के पद से हटाया गया, तब से ये बात लगातार ट्रेंडिंग में थी कि रोहित शर्मा शायद आईपीएल 2025 में एमआई की जर्सी में नजर नहीं आएंगे। अब उसके बाद से लगातार ये खबरें चल रही है। एक और नई खबर सामने आई है, रोहित शर्मा शायद पंजाब किंग्स से खेल सकते हैं। जी हाँ, पंजाब किंग्स के चाहने वालों के लिए, पंजाब किंग्स के फैन के लिए, हमारी स्पोर्ट्स टीम में मोनू चहल भी है जो पंजाब किंग्स को काफ़ी पसंद करते हैं, उनके लिए भी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। टीम के जो क्रिकेट डेवलपमेंट हेड हैं संजय बांगर, और पूर्व भारतीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं, पूर्व भारतीय असिस्टेंट कोच भी रह चुके हैं, संजय बांगर फिलहाल पंजाब किंग्स के साथ जुड़े हुए हैं। क्रिकेट कम्युनिटी डेवलपमेंट जो उसके हेड हैं, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है, एक लेटेस्ट पॉडकास्ट शो में उन्होंने कहा कि उनकी टीम भी इंटरेस्टेड है रोहित शर्मा को खरीदने के लिए। अगर रोहित शर्मा ऑक्शन में आते हैं फिर डिपेंड करेगा कि पंजाब किंग्स के पास ऑक्शन में कितनी रकम है, कितना पैसा उनके पास है, कितना पर्स है। अगर पर्स वैल्यू ठीक ठाक रही तो वो रोहित शर्मा को खरीदने के लिए 100% इंटरेस्टेड हैं और कप्तान भी बना सकते हैं। हालांकि शिखर धवन ने हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, वो आईपीएल भी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, यानी कि पंजाब किंग्स को भी अब शिखर धवन का रिप्लेसमेंट भी चाहिए, यानी कि एक बढ़िया ओपनर भी चाहिए और एक कप्तान भी चाहिए। अब रोहित शर्मा 5 बार के आईपीएल चैंपियन कैप्टन है भाई, और जिस तरह का कद उनका इंडियन प्रीमियर लीग में है, वर्ल्ड क्रिकेट में है, दुनिया वाकिफ है कि रोहित शर्मा क्या कुछ क्रिकेट के मैदान पर कर सकते हैं। बतौर कप्तान उनका ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है, शानदार रिकॉर्ड रहा है। अगर पंजाब किंग्स में जाते हैं तो क्या पता पंजाब किंग्स का जो सूखा चला आ रहा है 2008 से ट्रॉफी ना जीतने का, वो भी खत्म हो जाए। हालांकि फिर से आपको बता दूं, संजय बांगर ने साफ किया है कि ऑक्शन में डिपेंड करेगा कि रोहित शर्मा का बेस प्राइस कितना है और कितनी, क्योंकि फ्रेंचाइज, सभी फ्रेंचाइजी अगर रोहित शर्मा ऑक्शन में आ गए, रोहित के ऊपर मुंह तोड़ बोली लगाएंगी। और डीसी, केकेआर, एलएसजी की तरफ से तो अनऑफिशियल ये बातें भी सामने आ रही है कि वो 50 करोड़ रुपए तक खर्च करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में पंजाब किंग्स ऑक्शन में तो शायद नहीं खरीद पाएगी, लेकिन उनके पास एक और ऑप्शन रहेगा, ट्रेड के जरिए वो मुंबई इंडियंस से रोहित शर्मा को ट्रेड कर ले। अगर ट्रेड के जरिए वो रोहित मुंबई इंडियंस से पंजाब किंग्स में चले जाते हैं तो शायद एक फायदे का सौदा हो सकता है, फिर रोहित शर्मा ऑक्शन टेबल पे नहीं आएंगे और पंजाब के बजट में भी शायद वो टीम में फिट हो सकते हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आईपीएल 2025 में रोहित शर्मा का भविष्य क्या होता है और वो किस टीम की ओर से चौके, छक्के या फिर कप्तानी करते हुए नजर आते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।